अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण टेक। और साथ में मैं हूं रबीउल हसन। आज की वीडियो में OIFC खेदमा ऐप रजिस्ट्रेशन और इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने घर बैठ के वाईफाई का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल ऑनलाइन में पेमेंट करना चाहता है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूर है। आपने चाहे तो OIFC खेदमा ऐप की मदद से कोई बैंक कार्ड से कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हूँ। व्यूअर्स, मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका है। पहले आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से OIFC खेदमा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा, वेट करिए। लोडिंग लाने के बाद अभी फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई करना चाहिए, तो मैं मेरा फ़ोन नंबर डालता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे है सबमिट, आप लोगों ने सबमिट में क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद OIFC से एक OTP मैसेज सेंड करेगा। ऑलरेडी मेरा मोबाइल में OTP आ चुके हैं, तो इस OTP कोड नंबर को देखिए, नीचे है इंटर OTP। आप लोगों ने इंटर OTP में कोड नंबर डाल दिए जी। OTP कोड नंबर डालने के बाद नीचे है आई एक्सपेक्ट दी टीम एंड प्राइवेसी पॉलिसी, आप लोगों ने इसी ऑप्शन में राइट मार्क किए जी। राइट मार्क करने के बाद नीचे है सबमिट, आप लोगों ने सबमिट ऑप्शन में क्लिक किए जी। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज मिल जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ से पहले माई अकाउंट में क्लिक किए जी। माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज मिल जाएगा, तो इसमें नीचे तीन ऑप्शन है। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए जी। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ऐसा एक खाली पेज मिल जाएगा, तो इस पेज को अभी बिल्कुल फिलअप करना चाहिए। इसलिए देखिए, स्क्रीन की लेफ्ट साइड में ऊपर है टाइप ऑफ ID, आप लोगों ने टाइप ऑफ ID में क्लिक किए जी। इसके बाद यहाँ से रेसिडेंट कार्ड यानी बता का ऑप्शन सिलेक्ट किए जी। रेसिडेंट कार्ड बता का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन की राइट साइड में है ID, तो आप लोगों ने इसमें बता का नंबर डाल दिए जी। बता का नंबर डालने के बाद नीचे है यूज़र नेम, यूज़र नेम में आप लोगों ने कोई एक नाम डाल दिए जी। मैं मेरा नाम डालता हूँ। यूज़र नेम डालने के बाद नीचे है फ़ोन नंबर ऑप्शन, तो आप लोगों ने इसमें फ़ोन नंबर डाल दिए जी। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे है ईमेल, तो आप लोगों ने इसमें कोई एक जीमेल डाल दिए जी। जीमेल डालने के बाद नीचे है फुल नेम, तो फुल नेम में आपकी पूरा नाम डाल दिए जी। पूरा नाम डालने के बाद नीचे है पासवर्ड, तो आप लोगों ने इसमें 8 डिजिट वाला कोई एक पासवर्ड डाल दिए जी। पासवर्ड में मैं 8 डिजिट की नंबर डाल दिया। इसके बाद नीचे है कॉन्फर्म पासवर्ड, ऊपर जो पासवर्ड डाला इसी पासवर्ड को नीचे कॉन्फर्म पासवर्ड में फिर डाल दिए जी। पासवर्ड कॉन्फर्म करने के बाद नीचे रजिस्टर में क्लिक किए जी। इसके बाद लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद OIFC से एक OTP कोड नंबर सेंड करेगा। तो ऑलरेडी मेरा मोबाइल में OTP आ चुके हैं, तो मैं इसमें OTP डालता हूँ। OTP डालने के बाद नीचे सबमिट में क्लिक किए जी। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद OIFC से एक मैसेज सेंड करेगा। ऑलरेडी मेरा मोबाइल में मैसेज आ चुके हैं, तो देखिए इस मैसेज में यूज़र नेम और पासवर्ड बताएगा। तो अभी इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना चाहिए, तो मैं इसमें यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। मैं यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया, अभी लॉगिन में क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद आप लोगों ने देखते हैं इसमें बिल पेमेंट की सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओरिडो, ओमानटेल कोई भी बिल आपने मोबाइल की मदद से कोई बैंक कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताएगा कैसे आप लोग इस ऐप की मदद से वाईफाई का बिल पेमेंट करेगा। तो आज की वीडियो इस तो